मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। भाजपा में बगावत नहीं, गोयल ने कहा बागियों का साथ नहीं देती है जनता। नागपुर केंद्रीय वाणिज्य व रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद पार्टी में कोई बगावत नहीं है। हाँ, कुछ लोग बातों में आ जाते हैं तो जनता उनका साथ नहीं देती। वे प्रेस परिषद में कुछ सीटों पर युति धर्म का पालन न करते हुए भाजपा या फिर सेना के नेताओं द्वारा बागी होने से संबंधित सवालों के जवाब में बोल रहे थे। नागपुर, देश में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र। गोयल ने कहा कि देश में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र के प्रेरणादायी नेतृत्व ने डबल इंजन के रूप में जनता की सेवा की है। हर परिवार को घर, बिजली, शुद्ध पानी, सड़क, अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के साथ ही देश के नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा हो, इसके लिए दोनों नेतृत्व कार्य कर रहे हैं। उन्होंने नागपुर की जनता से सभी 12 सीटों पर युति को विजय दिलाने की अपील की है। कहा कि एक उज्जवल भविष्य बनाने वाली सरकार बनाए। रैली में बरसे फूल, देवेंद्र के प्रसार में जोशी सहित सभी नगर सेवक हुए शामिल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट में उनके समर्थक में प्रचार के लिए निकली रैली में क्षेत्र के नागरिकों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। उनके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा, शिवसेना, युति, मित्र दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। सत्ता पक्ष नेता संदीप जोशी के नेतृत्व में स्वावलंबी नगर, कामगार कॉलोनी, सुभाष नगर व आसपास के इलाकों में फडणवीस के लिए फिर एक बार जनता का आशीर्वाद मांगने रैली निकाली गई। रैली में महापौर नंदा जिचकर, विधानसभा क्षेत्र के सभी भाजपा नगर सेवक, पदाधिकारी, युवक युवतियां, महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।